Over the years, this is the trend that I've seen. More and more girls want to challenge themselves, want to go abroad and try and play in a higher league and play against better opponents, in a better team. I think that's great. That's a great hunger to have for the girls. I think that's the way to improve. From my personal experience also, I think that was one major step in my career which helped me take that next step and grow as a player. हम चाहते हैं कि अभी यूरोप वगैरह में खेलते हैं, सीजन वाइज खेलते हैं और उन लोग ज़्यादा लॉन्ग गेम खेल लॉन्ग टाइम खेलते हैं, तो उसमें क्या हो सकता है कि कॉन्फिडेंस लेवल हो सकता है, अपने आप को इम्प्रूव हो सकता है. तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि बाहर जाके और भी अच्छा कॉन्फिडेंस ला के हमारा कंट्री के लिए प्रॉफिट हो सकता है. बेबी लीग सिस्टम मतलब बाहर में होता रहता है, वो चीज़ करेगा तो सारे जो प्लेयर है वो अच्छा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा और टेक्निकली अच्छा होगा, क्योंकि बाहर बहुत हाई इंटेंसिटी है, मतलब बहुत स्पीडी और फाइटिंग वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ पे. छोटे छोटे क्लब्स और स्टेट में अभी तक पता नहीं चलता है कि स्ट्रेंथनिंग करना ज़रूरी है कि नहीं, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि बाहर के लोगों से फाइट करना है तो हम लोग हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करना पड़ेगा और स्ट्रेंथनिंग करना पड़ेगा. आई डू आई रियली वांट टू प्ले आउटसाइड इंडिया, जस्ट लाइक टू प्ले इन अदर क्लब्स लाइक यूरोपियन ऑल्सो इन द एशियन क्लब्स एंड प्रोबेबली आवर सीनियर्स लाइक अशालता दी, बला दी और एडी, दे वर playing in the foreign clubs and then they were much experienced than us also. I think if we have the opportunity to play in the outside club, then it will be happy.